नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ मेघा राघव। दर्शकों, नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सहारा निवेशक संघर्ष समिति साहिबगंज के बैनर तले साहिबगंज जिले के निवेशक जिन्होंने अपना पैसा सहारा बैंक में जमा किया था, समयावधि पूरी होने के बाद भी ऐसे निवेशकों को सहारा बैंक के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में निवेशक विकास चौधरी के नेतृत्व में सहारा बैंक कार्यालय के नीचे एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। सहारा निवेशक संघर्ष समिति साहिबगंज के बैनर तले साहिबगंज जिले के निवेशक जिन्होंने अपना पैसा सहारा बैंक में जमा किया था, समयावधि पूरी होने के बाद भी ऐसे निवेशकों को सहारा बैंक के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में निवेशक विकास चौधरी के नेतृत्व में सहारा बैंक कार्यालय के नीचे एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। निवेशक विकास चौधरी ने बताया कि विगत दो वर्षों से सहारा बैंक एवं एजेंट के घरों के चक्कर लगा रहे हैं। बैंक के स्टाफ एवं एजेंट के द्वारा भुगतान के नाम पर टालमटोल की जा रही है। विगत लगभग एक वर्षों से साहिबगंज सहारा बैंक में मैनेजर नहीं है। बैंक के जूनियर स्टाफ भुगतान की राशि देने में असमर्थ दिख रहे हैं एवं उनके पास कोई जानकारी भी उपलब्ध नहीं है। हम लोग सहारा बैंक में अपना अपना पैसा जमा किए थे। हम लोगों का जमा धन पूरा हो गया, यानी मैच्योरिटी हो गया है। अच्छा। इसके बावजूद विगत दो साल से सहारा प्रबंधक के द्वारा हम लोगों को टाल मटोल करके तारीख पे तारीख दी जा रही है। हम लोग कई बार आए, इसके पहले 6 महीना पहले भी आए थे, कहा था कि दिसंबर में पेमेंट हो जाएगा। जब दिसंबर में आए तो कहा जनवरी में होगा। कल मैं अन्य लोगों के साथ आया था और रीजनल मैनेजर केशव झा से बात हुई टेलीफोनिक। उन्होंने कहा कि जनवरी में आपका पेमेंट होगा। जनवरी में कौन महीना कौन तिथि को नहीं बताए। वो कह रहे हैं कि दिसंबर 2022 में आपका पेमेंट हो जाएगा। दिसंबर 22 में कब होगा वो नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ के जो बैंक के और भी स्टाफ हैं ये सब कहते हैं हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। इस असमंजस की स्थिति में जितने भी गरीब हैं सभी अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए पैसा जमा किए थे, इनको समय से पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज हम लोग एक सांकेतिक धरना दे रहे हैं। एक समिति का निर्माण किया जाएगा। इस समिति के माध्यम से जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी को त्राहिमाम संदेश भेजा जाएगा ताकि जमाकर्ताओं का पैसा सुनिश्चित वापस किया जा सके। इस मौके पर ऐसे कई निवेशक महिलाओं ने भी अपना दुखड़ा मीडिया कर्मी को सुनाते हुए बताया कि मेरे पति को मरे हुए लगभग 7 महीने हो गए हैं, पैसा मैच्योरिटी के लगभग 2 साल हो गए हैं, मुझे भुगतान नहीं मिल रहा है। पति के मरने के बाद मेरे समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई है। उन्होंने मीडिया कर्मी के माध्यम से प्रशासन के द्वारा हस्तक्षेप करते हुए उन्हें भुगतान राशि दिलवाने का आग्रह किया। प्रातः दर्पण न्यूज़ के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट।